गुरु हर साए तो थाना लखोवाल के अधीन पेंदे पिंड कोट शिंगार सिंह वाला तो इस वेले की बहुत मंदभागी खबर सामने आ रही है। जिथे मिली जानकारी अनुसार जलालाबाद के नज़दीक पिंड कट्टियां वाला औरतों ते मर्दां नाल भरिया पीटर रेड़ा सवार होके मल्लां वाला विखे किसी समागम विच जा रहा सी। गजनीवाला मोड़ के नज़दीक मोटरसाइकिल सवार नूं बचाउंदा होया ओवर स्पीड अते ओवरलोड सवारियां नाल भरिया पीटर रेड़ा हादसे का शिकार हो गया, जिस विच एक औरत कश्मीरों उम्र करीब 65 साल की मौत हो गई है अते बाकी गंभीर जख्मियों नूं एंबूलेंस राही गुरु हर साए सिविल हस्पताल दाखिल करवा दिता गया है। गुरु हर साए तो दीपक वधावन की यह विशेष रिपोर्ट। हाँ जी थंड साहब की हादसा किमें वापरिया जी? हादसा जी गुरुका एक आ रहा जलालाबाद साइड तो डैथ पर चले सके, उस दौरान इतों की मोटरसाइकिल बचाने की खातर यह हादसा वापरिया, जिस करके जो इनकी पलटरी लग गई तो लोगों को सट्ट लग गई, ये एक की डैथ हो गई है तो बाकी सिविल हॉस्पिटल गुरु साहब लैके गए हैं, उसे जाके बाकी पता किया जाएगा भी हो किसी की डैथ हुई है। अच्छा सर चार जन की कह रहे भी डैथ हुई है, अजय फिलहाल हॉस्पिटल जावे फिर ही पता लगेगा, फिर ही दस पावे भी चार की हुई जब। सर एक होर एक घड़ुके बैन किए हुए सरकार वालों ओवर स्पीड इन्हों की बहुत होंगी है, इन्हें जो इंजन लग्या पीटर रेड़े लगे बल्कि ट्रैक्टर लगे की कहना चाहते बैन लगे हुए नहीं चलाने चाहिए लोगों को, ये तो इन्हों की भी गलती जिन्होंने इस तरीके से लैके चलते हैं। कार्रवाई सर किस तरह चलती? कार्रवाई जो जिन्हों की डैथ हुई है जो लिखाण के उस जान मुताबिक कार्रवाई। अज हुई बहुत ही मंदभागी घटना हुई है जी, बड़ी वीड्डी मास कैजुअलिटी सी, तो जिंद तकरीबन 20 के करीब पेशेंट साढ़े को आए, तो अज 10:50 जो सानू पहला कॉल एमरजेंसी तो आया कि इदा बड़ा ही वड्डा एक्सीडेंट होया है, तो मेरे हस्बैंड डॉक्टर अल्लाह मेडिकल ऑफिसर इन्होंने फिर फटाफट अपने सारे स्टाफ नूं डॉक्टर साक्षी सोनी साढ़े जो मेडिकल ऑफिसर ने ते साडा जिहड़ा स्टाफ नर्सिज है सिस्टर पुष्पा सिस्टर सुरेंद्र सिस्टर मनजीत सारे नूं कॉल किया, नाल सारे वो अटेंडेंट सारे आ गए, साढ़े कोल स्टूडेंट ने डीफार्मा वाले वो भी सारे बच्चे आ गए, और असी सब ने रल मिल के जिहड़ा इस कैजुअलिटी नूं बड़े अच्छे तरीके मैनेज करता, प्रायोरिटी बेसिस के उपर जे सिक पेशेंट सके ज़्यादा ही हैड इंजरी के नाल सके एक्टिवली ब्लीड कर रहे थे बहुत ज़्यादा, अनकॉन्शियस पेशेंट सके कुछ सैमी कॉन्शियस से ड्राउजी से उन्होंने असी प्रायोरिटी बेसिस के उपर ट्रीटमेंट दे के उन्होंने पहला मतलब चार एंबूलेंसेज साढ़े को आईया उन्होंने पहला असी रैफर किया, फिर सैकेंडली जोड़े फ्रैक्चर तो हर किसी के ही सके इस करके सू 15 पेशेंट्स असी जो रैफर किए हैं, तो जिंद कि 7 पेशेंट जे अनोन सैमी कॉन्शियस से और अनकॉन्शियस से अपना नाम वगैरह कुछ नहीं दस पा रहे थे और उन्होंने कोई रैलेटिव नहीं अनोन करके असी रैफर किए हैं, तो 8 पेशेंट जो कुछ स्टेबल से बट फ्रैक्चर से उन्होंने असी रैफर किया। मैडम जैसे उन्होंने रिश्तेदार आए थे की दस रहे थे किधरों आ रहे थे किधर जा रहे इन्हों मतलब रिलेटिव के अकॉर्डिंगली एक किसी मर्ग के भोग के उपर जा रहे थे मल्ला वाला, तो ज़्यादातर पेशेंट चाकरनी वाला दे सके, तो ये सारे एक वहीकल के उपर 35-40 के करीब जा रहे थे, तो गजनी वाले कोल इन्होंने दसिया कि कुछ बाइक वाला से उन्होंने बचाते बचाते जिहड़ा ड्राइवर सीगा उन्हें कुछ कट किया तो वह मतलब वहीकल पलट गया, जिस वजह नाल सारी कैजुअलिटी हुई है। सारे पेशेंट रैफर हो गए? हाँ जी मतलब जे 15 पेशेंट विचों से रैफर किए ने, 2 पेशेंट ज़्यादा मतलब डैथ किसी की नहीं हुई, 2 पेशेंट ज़्यादा सिख से जोड़े बिल्कुल हैड इंजरी सवीयर हैड इंजरी के नाल से बट लाइव उन्होंने असी जरा फस्ट एड दे के और प्राइमरी उन्होंने ब्लीडिंग उन्होंने कंट्रोल करके ड्रेसिंग वगैरह करके फ्लूड ला के हम एक्सल लगा के टनैक्सा वगैरह लगाता ता जो ब्लीडिंग उन्होंने कट होवे और असी उन्होंने रैफर किया। जी धन्यवाद, मैं अपनी पूरी टीम का तहे दिलों धन्यवाद करती हाँ जिन्होंने मतलब बहुत मतलब बिल्कुल बिना किसी सवाल तो मेरे मतलब मेरे हस्बैंड ने सिंगल एक कॉल किया सब नूं यह कहा कि बहुत वड्डी कैजुअलिटी हुई है और सारे जने बिना कुछ पुछे दसे फटाफट पहुँचो और विद इन मिनट्स सारी टीम इत्थे पहुँच गई और सब ने पूरी तनदेही बिना ये देखे कि काम किंदा काम है किसी की ड्यूटी नहीं सी अज संडे सीगा
बट फिर भी सारी टीम जी है सिंगल कॉल के उपर विद इन मिनट्स पहुँच गई बिना किसी सवाल जवाब किए। ना ही मैंने किसी ने कहा कि डॉक्टर साहब मैं पास हाँ, मेरी कोई बहाना नहीं, सारे जने सिर्फ एक कॉल के उपर जे सारे जने पहुँच गए और तनदेही सारे ने मेहनत की जिंदी बदौलत असी जो अपना अच्छी तरह पेशेंट्स को मैनेज कर सके। आग लगे होने